तो अभी बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में, अभी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। हालांकि जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो अभी तक एक ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत से कॉन्सेप्ट है जो कि हमें ट्रांसमिशन सिस्टम में पढ़ना है। जैसे कि ट्रांसमिशन सिस्टम में जो फॉल्ट होते हैं उसके बारे में हमें बेसिकली पढ़ना है, ट्रांसमिशन सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपको क्या मिलेगा, फीडर मिलेगा और डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा। अभी जो फीडर होता है वो क्या होता है, जो फीडर होता है वायर होता है जिसके साथ कोई लोड कनेक्टेड नहीं होता है। फीडर इज़ अ वायर विथ विच नो लोड कनेक्टेड है। जो फीडर होता है वो एक ऐसा वायर होता है जिसके साथ कोई लोड कनेक्टेड नहीं होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो भी वायर होता है मगर इसके साथ बहुत सारे लोड कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एट द एंड ऑफ फीडर डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट है। जब फीडर ख़त्म होता है तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो स्टार्ट होता है। फीडर के आखिरी वाले टर्मिनल से डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट होता है, फीडर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट होता है। इन डिस्ट्रीब्यूशन करंट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट एज डिफरेंट लोड इज कनेक्टेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ क्या कनेक्टेड होता है, लोड कनेक्टेड होता है। और ये जो लोड होता है वो अलग अलग टाइप के लोड होते हैं जिसके वजह से होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो करंट होता है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करो। फीडर में जो करंट होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। इन फीडर कॉन्स्टेंट करंट फ्लोज एज नो लोड इज कनेक्टेड टू द फीडर। फीडर में कॉन्स्टेंट करंट फ्लो होता है क्योंकि जो फीडर है उसके साथ कोई लोड कनेक्टेड नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर को लेके, जो फीडर है उसमें कॉन्स्टेंट करंट फ्लो होता है क्योंकि जो फीडर है उसके साथ कोई लोड कनेक्टेड नहीं होता, मगर जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो करंट है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके साथ लोड कनेक्टेड होते हैं। जो फीडर होती है बेसिकली हाई पावर लाइन होती है, फीडर इज़ अ हाई पावर लाइन, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो लो पावर लाइन है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है डिस्ट्रीब्यूटर में वो कम से कम होना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप इन डिस्ट्रीब्यूटर शुड रिमेन लो एज मच एज पॉसिबल, तब जाके अलग अलग लोड को प्रॉपर वोल्टेज मिल पाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर में अगर वोल्टेज ड्रॉप ही आधे से ज़्यादा हो जाता है तो जो कनेक्टेड लोड है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो डीसी भी हो सकता है और एसी भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और यहाँ पर ये एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होती है, टू प्रोवाइड पावर टू सबस्टेशन बिकॉज फोर सबस्टेशन टू गेट स्टार्ट डीसी पावर इज नीडेड। ये डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या करता है, जो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो पावर प्रोवाइड करता है। किसको पावर प्रोवाइड करता है, सबस्टेशन को प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर हम लोग देखें, जो सबस्टेशन है उसे ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाने के लिए आपको चाहिए पावर बैकअप जो कि होगा डीसी पावर। तो ये जो डीसी पावर है वो कौन प्रोवाइड करता है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। सिमिलरली दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है बेसिकली वही हमारी जो तीन जो कंज्यूमर होते हैं, जैसे कि रेसिडेंशियल कंज्यूमर हो गया, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो गया, कमर्शियल कंज्यूमर हो गया, उसके लिए हमारा होता है एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये नॉर्मल लोगों के लिए होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे होते हैं, मगर ये जो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बेसिकली नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होता। ये जो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है बेसिकली सबस्टेशन को ऑन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मगर ये जो एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ये नॉर्मल लोगों के लिए होता है, जैसे कि कमर्शियल रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल जो कंज्यूमर होते हैं उसके लिए होता है ये एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें आपको अलग अलग टोपोलॉजी मिलेंगी। जैसे कि अगर आप देखो, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा और दूसरा आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन जो मिलेगा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा है, वो है रिंग मेन, और दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर ये रिंग डिस्ट्रीब्यूशन और ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम लोग देखें, ये रिंग डिस्ट्रीब्यूशन और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए आपको ये सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने दो बल्ब लगा के रखे पैरेलली, यहाँ पर ये वाला बल्ब और यहाँ पर ये वाला, दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये हमने लगा के रखा है वोल्टेज। अगर ये बल्ब में अगर फॉल्ट हो जाता है तो ये वाला जो बल्ब होगा वो ऑपरेट करेगा, ये वाला जो बल्ब है वो बंद नहीं होगा, राइट। ये हमें पता है पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और हमारी जो वायरिंग होती है वो भी पैरेलली होती है। अगर कोई एक कंपोनेंट अगर ख़राब हो जाए तो दूसरा वाला जो कंपोनेंट है बंद नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये वाला जो बल्ब है इसमें अगर किसी भी तरीके का अगर फॉल्ट आ जाए तो जो उसके बाद वाला जो बल्ब है, मतलब ये वाला जो बल्ब है, वो ऑपरेट करेगा, मगर सीरीज़ कनेक्शन में ऐसा नहीं होता। सीरीज़ कनेक्शन में भी हमने दो बल्ब लगा के रखे, अगर ये वाले बल्ब में अगर फॉल्ट हो जाता है तो ये वाला जो बल्ब होगा वो भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन में होगा क्या, ऑल सबस्टेशन इज कनेक्टेड इन सर्कुलर लूप।
रिंग डिस्ट्रीब्यूशन में होगा क्या, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन में सारे के सारे जो सबस्टेशन होंगे वो कैसे कनेक्टेड होंगे, सर्कुलर लूप में कनेक्टेड होंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जनरेशन और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, जनरेशन के बाद आएगा ट्रांसमिशन, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर ये वाला सबस्टेशन, यहाँ पर ये वाला सबस्टेशन, यहाँ पर ये वाला सबस्टेशन, ये वाला सबस्टेशन, ये चारों जो सबस्टेशन होंगे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। और यहाँ पर ये वाला जो सबस्टेशन होगा इसके साथ भी लोड कनेक्टेड होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लोड। ये वाला जो सबस्टेशन इसके साथ भी तीन चार लोड कनेक्टेड होगी, जस्ट एज अ रफ एग्जांपल। ये वाला जो सबस्टेशन है इसके साथ भी लोड कनेक्टेड होगा और ये वाला जो सबस्टेशन है इसके साथ भी लोड कनेक्टेड होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमने जो रिंग मेन जो सिस्टम जो कंसीडर किया, आप इसको कंपेयर कर सकते हो पैरेलल सिस्टम के साथ। ये रिंग मेन सिस्टम में अगर किसी भी एक सबस्टेशन में अगर फॉल्ट होता है तो बाकी के जो सबस्टेशन होंगे वो अपना नॉर्मली ऑपरेट करेंगे, बाकी के सबस्टेशन में इंटरप्शन नहीं होगा। तो ये होता है बेसिकली रिंग मेन सिस्टम, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता क्या, सारे के सारे जो सबस्टेशन होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, रिंग कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि अगर किसी भी एक सबस्टेशन में अगर फॉल्ट होता है, बंद हो जाता है कोई भी एक सबस्टेशन, तो बाकी के जितने भी जो सबस्टेशन होंगे वो अनअफेक्टेड होंगे। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, बाकी दूसरा वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है जनरेटिंग स्टेशन, यहाँ पर ये जनरेटिंग स्टेशन, यहाँ पर ये पहला सबस्टेशन, दूसरा सबस्टेशन। यहाँ पर ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप कंपेयर कर सकते हो सीरीज कनेक्शन के साथ। यहाँ पर ये वाला जो सबस्टेशन है इसके साथ चार घर कनेक्टेड होगे, ये वाला जो सबस्टेशन है इसके साथ भी चार घर कनेक्टेड होगे। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली होगा क्या, अगर किसी एक सबस्टेशन में अगर फॉल्ट हो जाए तो बाकी जितने भी जो सबस्टेशन होंगे वो बंद हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो घर है वो जनरेटर स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन के क्लोज में, ये वाला जो घर है वो जनरेटिंग स्टेशन से दूर है, तो यहाँ पर ये वाला जो घर है इसको मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा और ये वाला जो घर है इसको कम से कम वोल्टेज मिलेगा। मतलब अपना ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे तो जो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज करते जाएगा। अगर कोई घर जनरेटिंग स्टेशन से बहुत दूर है तो उसे कम वोल्टेज मिलेगा, कोई घर जनरेटिंग स्टेशन के बहुत क्लोज में तो उसे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। तो ये होता है बेसिकली रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दोनों में हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता क्या है, इन रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंज्यूमर विच इज़, जैसे कि हमने डिस्कस किया रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पर ये रिंग डिस्ट्रीब्यूशन। रिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक सर्कुलर पैटर्न मिलेगा राइट, जिसको आप कंपेयर कर सकते हो रिंग से, और वो जो सर्कुलर पैटर्न है उसको हमने किससे लिंक किया था, पैरेलल कनेक्शन से लिंक किया था। मतलब जो रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको हमने किससे लिंक किया था, पैरेलल कनेक्शन से लिंक किया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन में कंज्यूमर विच इज़ टू फार फ्रॉम सब स्टेशन फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन विल रिसीव अंडर वोल्टेज ड्यू टू मोर डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन एंड कंज्यूमर क्लोज टू पावर प्लांट विल गेट मोर वोल्टेज। जैसे कि हमने डिस्कस किया रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में होगा क्या, कंज्यूमर जो कि जनरेटिंग स्टेशन से बहुत दूर है उसे अंडर वोल्टेज मिलेगा, वो अंडर वोल्टेज एक्सपीरियंस करेगा या फिर आप बोल सकते हो उसे लो वोल्टेज मिलेगा, और कंज्यूमर जो कि जनरेटिंग स्टेशन के क्लोज में उसे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। मगर रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। इन रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एवरी कंज्यूमर विल गेट यूनिफॉर्म वोल्टेज इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ पावर प्लांट फ्रॉम कंज्यूमर लोकेशन। जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि जो रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें ये ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे के सारे जो कंज्यूमर होंगे उन्हें सेम वोल्टेज मिलेगा, चाहे कंज्यूमर का घर कितना भी दूर होने दो पावर प्लांट के डिस्टेंस के कंपैरिजन में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लॉसेज रिमेन लो। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, ट्रांसमिशन लॉसेज जो होते हैं वो कम से कम होते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं हाई होते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों जो हमने जो पॉइंट जो पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रांसमिशन लॉस होते हैं वो कम होते हैं, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रांसमिशन लॉस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इफ़ फॉल्ट अगर देन पावर विल नॉट फ्लो फर्दर। अगर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे कि हमने डिस्कस किया अगर फॉल्ट अगर होता है कहीं पे भी तो जो पावर होगा वो फ्लो नहीं कर पाएगा, पावर ऑफ एंटायर रीजन विल बिकम जीरो। जो पावर है पूरे रीजन का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अपना ये रेडियल में अपना ये रिंग मेन में ऐसा नहीं होगा, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन में अपना ऐसा नहीं होगा। रिंग डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कहीं पे भी अगर फॉल्ट होता है, किसी भी सेक्शन में अगर फॉल्ट होता है तो बाकी के जो सेक्शन होंगे उसमें कोई मतलब इंटरप्शन नहीं होगा। ये फॉल्ट अगर एट एनी सेक्शन देन देयर वॉन्ट बी पावर डिसकंटिन्यूटी इन एंटायर रीजन। अगर किसी भी सेक्शन में अगर फॉल्ट होता है तो पूरे रीजन में पावर की डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। मगर रेडियल में हमने क्या डिस्कस किया था, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन में हो क्या रहा था, अगर किसी भी सेक्शन में अगर फॉल्ट हो जाता है तो पूरे रीजन की इलेक्ट्रिसिटी चल देंगी।
मतलब पूरे रीजन की जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो मतलब उसमें इंटरप्शन होगा। इफ़ यू प्रोवाइड पावर फ्रॉम, यहाँ पर ये जो रेडियल है इसका हमें डिसएडवांटेज मिल रहा है ज़्यादा। यहाँ पर ये रेडियल का जो डिसएडवांटेज है इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पावर डिसकंटिन्यूटी, अगर किसी एक सेक्शन में अगर फॉल्ट होता है तो एंटायर रीजन का जो पावर होगा उसमें डिसकंटिन्यूटी होगी। तो ये जो प्रॉब्लम है आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। इफ़ यू प्रोवाइड पावर फ्रॉम बोथ दी साइड देन वो प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस। अगर हम लोग रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों साइड से अगर पावर प्रोवाइड करें तो जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक के कम हो सकती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये सबस्टेशन, यहाँ पर ये सबस्टेशन भी जनरेटिंग एंड के साथ कनेक्टेड है, ये सबस्टेशन भी, ये वाला भी जनरेटिंग एंड के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे कि इसमें ये जो स्कीम है यहाँ पर ये फिर बोल सकते हैं ये वाला हमें जो, ये वाली हमें जो टोपोलॉजी जो दिखाई दे रही है इसके हेल्प से जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक के कम हो जाएंगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमने जो कंसिडर किया इसको, हम लोग दोनों तरफ हम लोग जो सोर्स जो लगा रहे हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों तरफ हम लोग जो सोर्स जो लगा रहे हैं इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, ये स्कीम को हम लोग बोलते हैं सोर्स फीड फ्रॉम बोथ दी एंड। तो यहाँ पर हमने बात किया रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फीडर और अपना डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। फिर उसके बाद हमने बात किया डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में।